आज हम पोहा की एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसमें पोहा को आपको कढ़ाई में डालने की भी जरूरत नहीं और खाने में ये बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए झटपट देख लेते हैं आज की रेसिपी, एकदम झटपट रेसिपी है। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप इसमें से कोई भी तरह का पोहा ले सकते हैं। ये मीडियम पोहा है और ये जो दूसरा वाला है इसे नायलॉन पोहा या नायलॉन थिन पोहा या एकदम पतला पोहा कहा जाता है। ये बहुत पतला होता है तो इसे हम धो नहीं सकेंगे, लेकिन मीडियम पोहा है तो इसे आप छन्नी पर रखकर रनिंग वाटर में धो सकते हैं। तो आप चाहे तो जो भी ले सकते हैं, पर मैंने आज यहाँ नायलॉन थिन पोहा लिया है। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा प्याज जिसे हमने बारीक काट लिया है, नमक और ये किसा हुआ फ्रेश नारियल है और नींबू का रस। पोहा में हम प्याज, नींबू का रस, किसा हुआ नारियल और नमक डालकर इसे बहुत अच्छे से मिलाकर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। इससे पोहा प्याज और नारियल का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके काफी सॉफ्ट हो जाएगा। टेम्परिंग के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, जीरा, सरसों, थोड़ी सी हींग और साथ ही हमें चाहिए थोड़ी सी मूंगफली। अब एक पैन में हम थोड़ा सा तेल डालकर मूंगफली को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फ्राई होने के बाद इसे हम निकाल कर एक कटोरी में रख लेते हैं। पोहा को भी सीजनिंग किए हमें करीब 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए हमने लिया एक तड़का पैन और इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी तेल और उस पर हम डाल देंगे कड़ी पत्ता, कटी हुई हरी मिर्च, जीरा और सरसों और थोड़ी सी हींग। तो हमारा तड़का भी हो चुका है। अब हम इस भीगे हुए पोहे के ऊपर तड़का डाल देते हैं और डाल देते हैं भुनी हुई मूंगफली। इसे हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे और काफी सारा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती हम ऊपर से डाल देंगे और थोड़ी सी गार्निशिंग हम भुने हुए मूंगफली से भी कर लेंगे। तो बस तैयार है आपका लाजवाब पोहा। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, स्नैक्स के लिए भी बना सकते हैं। ये बहुत आसानी से बनती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो इस झटपट रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं ना।